फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ जूस की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूं जो आपकी हेल्थ के लिए, पूरी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। और साथ ही आपको अगर अपना वेट कम करना है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। इससे वेट भी कम होता है और आपकी स्किन भी ग्लो करती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमने कई सारी वेजिटेबल्स ली हैं। तो कैसे बनाना है देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक चुकंदर ली है मीडियम साइज की, एक गाजर ली है, एक सेब लिया है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास फिलहाल नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। मीडियम साइज का एक टमाटर, एक नींबू का रस ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें अदरक। साथ ही मैंने पालक लिया है, तो 8 से 10 पत्तियां आपको इसमें पालक की शामिल करनी है। तो यहाँ मैंने ये ग्राइंडिंग जार लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम सबसे पहले गाजर। सभी चीजों को आपको बारीक बारीक कट करना है। मैंने पहले गाजर इसमें ऐड कर दी है और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बीट रूट। सेब इसमें कट करके मैंने डाल दिया है, टमाटर, और ये मैंने डाल दिया इसमें अदरक, ये इसमें हम शामिल कर रहे हैं पालक। तो ये सारी ही सब्जियां जो हमने ली हैं वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती हैं। तो चलिए अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी इसमें हमें डालना है 3 से 4 ग्लास, तो इससे 3 से 4 ग्लास हमारा जूस बन जाएगा। तो पानी मैंने इसमें डाल दिया है, अब इसको हम यहाँ कवर करके ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए जी, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो इसमें 1 से 2 ग्लास पानी और भी ऐड कर सकते हैं। चलिए फटाफट से इसको हम छान लेंगे। अब देखें, ये जूस हमारा यहाँ रेडी है। ये देखें, इस तरह से आपको ये जूस तैयार कर लेना है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं नींबू का रस, ये आपको बाद में ही ऐड करना है। नींबू का रस ऐड करेंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे काला नमक। नमक इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे बिना नमक के भी ले सकते हैं, और चीनी आपको इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। इसे आप अपने घर पर जो भी मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, उनको दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा है हेल्थ के लिए। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना ये रेसिपी कैसी लगी है। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।